हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। अगर जीएसटी से पहले की बात करें, बहुत सारी एग्जम्पशंस जो है गवर्नमेंट ने दी थी। प्री जीएसटी एक्साइज़ के अंदर एग्जम्पशंस थी, वैट के अंदर एग्जम्पशंस थी, सर्विस टैक्स के अंदर एग्जम्पशंस थी। सेम वे में पोस्ट जीएसटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारी एग्जम्पशंस होती हैं। हर केस में जीएसटी जो है नहीं लगता। तो आज आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में जो है एग्जम्पशन रहती है उसमें, ठीक है ना। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज की जो है इस डिस्कशन को। तो आज हम बात करेंगे, आज हम देखेंगे एजुकेशन के केस में क्या रहता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से केस में जो है एजुकेशन में एग्जम्पशन मिलती है जीएसटी की, ठीक है ना। हर केस में नहीं होती एग्जम्पशन, हमने पहले भी बात करी है। हमने एक वीडियो में जो है एग्रीकल्चर के ऊपर देखा, उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अब हम जो है आज हम बात करेंगे एजुकेशन के रिस्पेक्ट में कि एजुकेशन के केस में एग्जम्पशन किस तरीके से रहती है। एक ये सारी एग्जम्पशंस जो हैं अलग अलग जो है क्लॉजेज में डिफाइन करी गई है। नोटिफिकेशन इशू करी गई थी, नोटिफिकेशन नंबर 2/2017, फिर एक नोटिफिकेशन थी नोटिफिकेशन 12/2017, जहाँ पे अगर हम गुड्स की बात करें तो 149 गुड्स जो हैं एग्जेम्प्ट करे गए थे, ठीक है ना, 2/2017 में। और सेम वे में जो है अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 12/2017 में 81 सर्विसेज को जो एग्जेम्प्ट करा गया था। आज हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन पोस्ट प्री जीएसटी में भी एग्जेम्प्टेड था, पोस्ट में भी एग्जेम्प्टेड रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटो है अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी के साथ जो है ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन को जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखा जाए। तो किस तरीके से जो है कौन कौन से केसेस में जो है जीएसटी नहीं लगता, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें आईएएम में, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, आईएएम के केस में दो पार्ट में बाइफरकेट किया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है, और लॉन्ग ड्यूरेशन किसको कहेंगे, जो 1 साल से ऊपर का कोर्स है, आईएएम प्रोवाइड कर रहा है 1 साल से ऊपर का कोर्स, तो वो जो है टोटली एग्जेम्प्ट किया गया है। तो हमें ध्यान में रखना है ये आईएएम के केस में है, ठीक है ना। आईएएम द्वारा अगर 1 साल से ऊपर का कोर्स है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। यही अगर उसने शॉर्ट जो है कोर्स निकाल दिया, जहाँ पे वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देता है 3 महीने का, 6 महीने का, ठीक है ना, तो इस तरीके का अगर कोर्स निकाला है तो वो टैक्सेबल रहेगा। हमें ध्यान में रखना है शॉर्ट कोर्स जो होते हैं आईएएम द्वारा जो प्रोवाइड करे जाएंगे वो जो है एग्जेम्प्ट रहेंगे। अब आता है मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो एग्जेम्पशन दी गई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी गई है। तो अब बात रही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्या, किसको कहेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको जो है जीएसटी में एग्जेम्पशन दी गई है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा स्कूल्स, पहला रहेगा स्कूल्स, दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा हमारा आ गया कॉलेजेस, और तीसरा आ गया वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज जो प्रोवाइड कराते हैं। अब इसको समझते हैं, पहला केस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर हम स्कूल्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आ गया है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि प्री स्कूलिंग एजुकेशन दे रहे हैं या फिर अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, अप टू 12th तक जो एजुकेशन दे रहे हैं उस स्कूल्स को कवर अप किया गया है। सेकेंड केस में अगर बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं कुरिकुलम ऑब्टेनिंग रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, जैसे कोई लॉ करता है, कोई एलएलबी करता है, कोई एमबीए करता है, उस तरीके की कैटेगरी को जो है सेकेंड केस में रखा गया है। थर्ड केस रहेगा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड वो एजुकेशन एज अ पार्ट एज अ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल जो है कोर्सेज, जो कि जैसे कि अगर हम बात करें आईटीआई, आईसी, आईटीसी, वो क्या करते हैं ये स्किल कोर्सेज अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी, एनसीसीटी, ठीक है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे जो है कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई कोई इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहता है उसके रिगार्डिंग जो है कोर्स जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है उसके रिगार्डिंग एक कोर्स ऑर्गेनाइज हो जाएगा, फुटवेयर मेकर हो गया, गार्डनर हो गया, टेलर हो गया, तो इस तरीके की ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करी जाती है, उसको जो है थर्ड कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। अब बात करते हैं इनकी एग्जम्पशंस की, पहले हम बात करेंगे स्कूल्स के केस में कैसे एग्जम्पशन रहेगा। देखो अगर हम दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया कि इनवर्ट जो स्कूल जो है इनवर्ट सप्लाई लेगी उसमें जीएसटी का क्या रहेगा, और एक है आउटवर्ट कि आउटवर्ड सप्लाई उसकी किसकी रहेगी, वो स्कूल जो स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है, जो स्टाफ को सर्विस दे रहा है, तो इस तरीके का क्या हो गया उसकी, वो आउटवर्ड सप्लाई हो गई, ठीक है ना। एक हो गई इनवर्ड सप्लाई, एक हो गई आउटवर्ड सप्लाई। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर में बात करी थी कि अगर आउटवर्ड
में टैक्स नहीं है तो इनवर्ड में भी टैक्स कम करना पड़ेगा ताकि जो है कॉस्ट कम हो जाए, और कॉस्ट कम होएगी तभी जाके जो है हमारी आउटवर्ड सर्विस की जो पार्ट रहेगा उसको हम कम कर पाएंगे, नहीं तो आउटवर्ड सर्विस भी महंगी हो जाएगी। सेम फिनोमिना जो है यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इनपुट जो सर्विसेज जो स्कूल्स लेगा उसको उसमें भी एग्जम्पशन दी है ताकि जो है सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड हो, तभी जो है मोटो है पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो उसी के साथ जो है यहाँ पे हमारे को ध्यान में रखना है कि आउटवर्ड सर्विस के लिए इनवर्ड सर्विस भी जो है हमारे को एग्जेम्प्ट करनी होगी। तो कौन कौन सी इनवर्ड सर्विस एग्जेम्प्ट है स्कूल्स के लिए, पहले हम वो बात करेंगे। पहली बात, पहला है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि बस लग जाती है, ठीक है ना, अब स्कूल वाले जो है उस ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी चार्ज करते हैं, है ना, स्टूडेंट से। तो वहां पे क्या है, जो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वहां पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स को जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, चाहे वो फैकल्टी को जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, चाहे वो कि अपने स्टाफ को जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये जो इनवर्ट सर्विसेज होगी, ठीक है ना, स्कूल तो इनवर्ट सर्विस ले रहा है ना, किसी ट्रांसपोर्टर किसी से बस किराए पे उसने बोल दिया भैया हमारे जो है रेगुलर जो है आप जो है यहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को छोड़ेंगे, यहाँ यहाँ पे स्टाफ को छोड़ेंगे, तो वो स्कूल ने एक सर्विस ले ली, ठीक है, स्कूल तो जो है उसने सर्विस बाहर से ले ली और वो जो है उसका पैसा चार्ज कर रहा है किससे, स्टूडेंट से चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो उसकी इनवर्ट सप्लाई है स्कूल की वो जो है टोटली एग्जम्प्ट रहेगी। इसी तरीके से क्या होता है, स्कूल्स में कैंटीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर कोई उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो उस केस में कैसे रहेगा, जैसे केटरिंग, चाहे उसमें मिड डे मील्स, कई स्कूल्स में देखते हैं ना मिड डे मील्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी, तो वो भी जो है एग्जेम्प्ट रहेगी, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरा, हम देखते हैं स्कूल्स में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है ना, क्लीनिंग हाउस कीपिंग सर्विसेज लेते हैं स्कूल्स वगैरह, तो वहां पे भी अगर वो सर्विस अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोवाइड करी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब स्कूल्स के लिए अगर स्कूल्स में क्लीनर रखा है, स्कूल के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा है, स्कूल के लिए हाउस कीपिंग सर्विसेज ली है, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। ये तीनों हमें ध्यान में रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, इनवर्ट सर्विसेज की, जो स्कूल जो है वो इनवर्ट सर्विसेज ले रहा है। चौथा, सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन कंडक्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, एडमिशन हुए, एडमिशन फी वगैरह चार्ज होगी, ठीक है ना, देखते हैं ना आजकल ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है एडमिशन के लिए, तो वहां पे एडमिशन फी जो है चार्ज करी जाती है, तो एडमिशन फी जो चार्ज करेंगे वो भी जो है एग्जेम्प्ट रहेगा। इस तरीके से हम देखते हैं स्कूल्स में कई बार एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे जब इस एग्जाम कंडक्ट कराए गए तो वहां पे स्कूल की जो जो स्कूल जो है इनवर्ट सर्विसेज लेगा वहां पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इनपुट सर्विसेज को चार पार्ट में बांटा गया है, कौन से केस में, अभी हमने बात करी स्कूल्स के केस में, ठीक है ना, स्कूल्स के केस में ये ट्रांसपोर्ट वाली, फिर हमने बात करी केटरिंग वाली, फिर हमने बात करी सिक्योरिटी गार्ड वाली, और चौथी हमने बात करी एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ये चारों की चारों जो स्कूल जो सर्विस लेगा वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कॉलेज के केस में क्या रहेगा। कॉलेज के केस में जो हमने अभी फोर्थ कैटेगरी पढ़ी, जो अभी हमने फोर्थ कैटेगरी पढ़ी कौन सी, यहाँ पे सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये अगर इनपुट सर्विसेज लेता है कॉलेज तो वहां पे कॉलेज को भी जो है इसके लिए एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये एज इट इज सेम है, सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ये एज इट इज यहाँ पे सेम रहता है। मतलब अगर एडमिशन हो, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो, तो वहां पे स्कूल को भी वो इनवर्ट सर्विसेज जो है एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, और कॉलेज अगर ये सर्विस लेता है तो कॉलेज के लिए भी ये टोटली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा एक चीज और जो है कॉलेज को बेनिफिट मिलता है, एक और सर्विसेज में जो है कॉलेज को एग्जेम्पशन मिलती है, कौन सी है, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। अगर वो कॉलेज जो है अपना ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल बना के सप्लाई करता है, सेल करता है, ठीक है ना, उसने कोई मंथली मान लो कोई ऑनलाइन जर्नल वगैरह बना रहा है, पूरा उसमें अपडेट करके दे रहा है, नई नई चीजें उसमें जो है क्या क्या चेंजेस हैं वो सब डाल के दे रहा है, तो वहां पे वो भी जो है एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन हमें ध्यान में रखना है ये ऑनलाइन मोड में होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, और अगर ये ऑफलाइन मतलब प्रिंटेड फॉर्म में अगर दे रहा है तो ये गुड्स में कवर हो जाएगा, ये सर्विसेज के अंदर नहीं आएगा फिर, ठीक है ना, यहाँ पे हमने सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन मोड में होगा, सॉरी ऑनलाइन मोड में होगा तो ही यहाँ पे एग्जेम्पशन के अंदर आएगा, अगर ऑफलाइन मोड में होगा तो वो गुड्स में चला जाएगा, और गुड्स में जो है यहाँ पे गुड्स की टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे अभी हम टोटली सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तीसरी कैटेगरी आई वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज की। यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज, एजुकेशनल कोर्सेज जो कि NCVT, NCCT ये स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम कैटेगरी है, अगर ये कोई एडमिशन से रिलेटेड या फिर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो ये भी टोटली जो है एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर हम कहें तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ अलग पेन से ताकि हमारे को ध्यान में रहे। ये जो लास्ट वाली कैटेगरी थी ये स्कूल्स के केस में, कॉलेजेस के केस में ये फर्स्ट वाली कैटेगरी, और यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज के केस में फर्स्ट वाली कैटेगरी, तीनों सिमिलर है। मतलब अगर हम कहें तो एडमिशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, अगर स्कूल करा रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, स्कूल इनवर्ट सर्विस ले रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, कॉलेज इनवर्ट सर्विस ले रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, या फिर वोकेशनल कोर्स के लिए ये सर्विस ली जा रही है तो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, ये तो बात हुई इनवर्ट सर्विसेज की, ठीक है ना, जो ये स्कूल्स, कॉलेज और वोकेशनल इनवर्ट सर्विसेज ले रहे हैं उसकी बात हुई है। अब हम बात करते हैं आउटवर्ड सर्विस की। अब ये अगर स्कूल, कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये आउटवर्ड सर्विस किसको देंगे? स्टूडेंट को देंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना, स्टूडेंट के लिए तो स्कूल्स वगैरह किस लिए चल रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटवर्ड सर्विसेज किसको दी जा रही है? स्टूडेंट्स को दी जा रही है, फैकल्टी और स्टाफ्स को दी जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन प्रोवाइडर कौन है? यही तीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कौन कौन? स्कूल्स और कौन सा था? कॉलेजेस, और तीसरा हमारे वोकेशनल कोचिंग वाले जो थे, NCVT और SCVT, ठीक है ना। ये जो आउटवर्ड सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो आउटवर्ड सर्विसेज दे रहे हैं, ये किसको सर्विस दे रहे हैं? स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहे हैं। ये किसको सर्विस दे रहे हैं? फैकल्टी को सर्विस दे रहे हैं। ये किसको सर्विस दे रहे हैं? ये स्टाफ को सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जितनी भी आउटवर्ड सर्विस होंगी सारी की सारी जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रखना है किन किन को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को और स्टाफ को, तब जाके ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये किसी, इनके अलावा किसी और को सर्विस दे रहे हैं, किसी और को सर्विस दे रहे हैं लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम की सर्विस है, एंट्रेंस एग्जाम की सर्विस है, तो वो चार्जेस लेंगे, ठीक है ना। स्कूल ने जो है अपने प्रीमिसेस पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बेसिस पे चार्ज लेंगे, ठीक है, कि इतने आपके 500 बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम हमारे स्कूल में हो रहे हैं, कि 500 बच्चे के ये जो है चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो वहां पे उस केस में क्या है, जो ये एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 500 बच्चे का जो है, इन्होंने कहा कि भैया हम 200 रुपये पर बच्चा जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने की फीस चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे इनको जो कितना अराउंड जो भी इनका अमाउंट बनेगा, तो 10 लाख रुपए जो इनकी फीस चार्ज हो गई, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा। ये आउटवर्ड सर्विस है लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हो गई, तो यहाँ पे भी इनका GST इसमें नहीं लगेगा। और कौन कौन सी एजुकेशनल सर्विसेज एग्जेम्प्ट है? अगर फूड सर्विस टू आंगनबाड़ी, प्री स्कूल जो होते हैं आंगनबाड़ी, चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, चाहे वो कोई कंपनी जो है डोनेशन के फॉर्म में कर रही है, कि चलो कंपनी को कई उसमें रिबेट भी मिल जाती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करती है, ठीक है ना, CSR एक्टिविटीज में करती है, तो उस तरीके से जो है अगर फूड सर्विंग एक्टिविटी हुई आंगनबाड़ी में, तो वो भी जो है वहाँ पे भी कोई भी GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करें, ऊपर हमने कवर किया एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कोर्स फॉर एडमिशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपने कोर्स करा उसके बाद कोई और कोर्स आप कर रहे हो, तो आपको जो है वहां से पुराने वाले, जहां से आपने पुराना पहले कोर्स किया था, वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जो है दूसरे इंस्टीट्यूट में जमा कराना होगा, तो उसके लिए भी वो फीस चार्ज करते हैं, तो ये सब जो है टोटली एग्जेम्प्ट है। इसके बाद बात करें CPSC, RESC, अदर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, ये हमने बात करी, ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जेम्प्ट रहेंगे। इसके अलावा क्या है, मैरिटाइम ट्रेनिंग कोर्सेज, ठीक है ना, जैसे सी बेस्ड जो है ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी जो है यहाँ पे टोटली एग्जेम्प्ट करे गए हैं। यहाँ पे रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले एक जजमेंट आई है अप्रैल 2024 में, 16 अप्रैल 2024 को जो है दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है इसके रिगार्डिंग, एजुकेशनल और स्टेट बोर्ड के रिगार्डिंग, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, इसमें कहा गया कि एजुकेशनल और स्टेट बोर्ड जो है वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो डेफिनेशन है
एज पर पैराग्राफ 2 Y ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो हम बात करें बेस नोटिफिकेशन की, इसके पैराग्राफ 2 Y के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, इसमें इन्होंने कहा कि भैया एजुकेशन और स्टेट बोर्ड जो है ये भी कवर होंगे, ठीक है ना। को तो इसके बारे में क्या हुआ इसमें फर्दर देखते हैं यहाँ पे। फिर इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसीजन ये रहा कि भैया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर का जो दायरा है, जैसे हमने बताया स्कूल कॉलेजेस जो है NCVT वगैरह आते हैं उसमें, वो इस एजुकेशनल स्टेट बोर्ड भी जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। और फिर गई बात दूसरी एग्जम्पशन की, एग्जम्पशन में क्या करा कोर्ट ने भैया क्लैरिफाई करा, एग्जम्पशन जो है एज पर क्लॉज 3-4 ऑफ द सेट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो कि 26 जुलाई 2018 को जो है इशू करी गई थी, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव से स्टार्टिंग से 1 जुलाई 2017 से जो है वहां पे इफेक्ट में रहेगी। इसके अलावा क्या है, सर्विस कवर्ड अंडर कुरिकुलम, तो कुरिकुलम सर्विसेज ऑफर्ड बाय दीज बोर्ड, ये जो एजुकेशन और जो स्टेट बोर्ड है इनके थ्रू जो कुरिकुलम सर्विसेज है जो स्टूडेंट को दे जा रही है वो भी टोटली एग्जेम्प्ट है एज पर सीरियल नंबर 66AA के हिसाब से, वहां पे वो भी एग्जेम्प्ट रहेंगी। उसके बाद रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा फ्रॉम 25 जनवरी 2018 अंडर सीरियल नंबर 66AA if they are provided for course run by the these board as a part of curriculum, तो इस पे भी इसको जो है benefit मिल जाएगा। तो ये सारे benefit जो है यहाँ पे जो है अभी recently दिल्ली हाई कोर्ट का ये decision है वहाँ पे जो है finalize करा गया कि ये सारे benefit जो है educational educational state board को भी जो है provide करे जाएंगे। और बात रही NIT का जो है examination, वहाँ पे इन्होंने क्या करा वहाँ पे भी यही कहा कि NIT entrance examination conducted by the petitioner, petitioner यहाँ पे कौन है, पेटिशनर यहाँ पे कौन है, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूट बोर्ड जो है यहाँ पे पेटिशनर है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ये पेटिशनर था, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो नेट के एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं ये भी टोटली एग्जेम्प्ट रहेंगे, ठीक है ना। कब से ये एग्जेम्प्ट रहेंगे, 25 जनवरी 2018 से जो है ये भी एंट्रेंस ये भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो ये सारी हमने बात करी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में कहाँ कहाँ पे रियायत मिलती है, ऐसे बहुत सारे केसेस थे यहाँ पे। अगर मैं कहूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ पे अलग अलग केसेस में बहुत सारी एग्जम्पशंस है। अगर हम बात करें तो 149 गुड्स जो है बेस नोटिफिकेशन में 2/2017 में जो है एग्जम्प्टेड है, 81 सर्विसेज जो है यहाँ पे एग्जम्प्टेड है 12/2017 में। अगर हमसे कोई क्लाइंट पूछता है कि हमारा गुड्स एग्जेम्प्ट होगा नहीं होगा तो हम तो उस पर सर्च करके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, लेकिन सर्विस के केस में हमें देखना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, और कोई कंडीशन तो नहीं है, क्या कंडीशन है उसमें, अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो ही एग्जेम्प्शन मिलेगी। तो उसके लिए सर्विसेज के लिए जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से बाइफर्गेट करना बहुत जरूरी था, तो हमने इसको जो है अलग अलग पार्ट में जो है बाइफर्गेट करा है हमने इस बुक में जो है इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी की जितनी एग्जेम्प्शंस है उसको अलग सेगमेंट में डाल दिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या एग्जेम्प्शंस है, ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या एग्जेम्प्शंस है, हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या क्या एग्जेम्प्शंस है, लीगल सर्विस में कहाँ कहाँ एग्जेम्प्शंस आती है, गवर्नमेंट सर्विसेज में कहाँ कहाँ एग्जेम्प्शंस आती है, एडमिशन रिलेटेड क्या क्या एग्जेम्प्शन है, इवेंट कोई इवेंट कराता है तो वहाँ पे क्या क्या कब कब GST एग्जेम्प्ट होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में कहाँ कहाँ एग्जेम्प्शंस है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में कहाँ कहाँ GST एग्जेम्प्ट किया गया, इंश्योरेंस में क्या है, नॉन प्रॉफिट स्पोर्ट्स रेंटिंग के केस में कहाँ कहाँ एग्जेम्प्शंस है, ठीक है ना, रेंटिंग जैसे रेजिडेंशियल में होती है वहाँ पे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कब एग्जेम्प्शन मिलेगी कब नहीं। तो हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के फिर जो बच गई कुछ एग्जेम्प्शंस फिर भी बच गई उसको हमने जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ पे अदर्स में कवर कर दिया। तो अगर हमने इसको सर्विस सेक्टर में बांटते हैं तो काफी ज्यादा ईजी हो जाता है इसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमने जो है इसको इस तरीके से इसके अलग अलग चैप्टर्स जो है कवर अप करे हैं, इसकी क्या लीगल बैकिंग है, रेलिवेंट नोटिफिकेशंस वगैरह क्या है, या ये हमने इस बुक में जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज हमने कवर कौन सा करा, आज हमने एजुकेशन एंड सर्विस सेक्टर को जो है कम्प्लीटली देखा कि कौन से केस में जो है एजुकेशन में किस किस तरीके से जो है इनवर्ड सर्विसेज में कब कब एग्जेम्पशन होगी, आउटवर्ड में कब कब जो है हमारी एग्जेम्पशन रहती है, वो सारी हमने यहाँ पे आज की इस सीरीज में डिस्कस करी, ठीक है ना। अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जो है बात कर सकते हैं, अपनी कॉपी को सब्सक्राइब करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।